हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। माय नेम इज आशीष मधुकर। आई हैव टोटल 8 years सेल्स फॉर सर्टिफाइड एंड 2 years कूपन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ओल्ड मैप एंड न्यू मैप। तो ट्रिगर में हमारा ओल्ड मैप क्या होता है, न्यू मैप क्या होता है, और ओल्ड एंड न्यू जो ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एजेंडा। तो जो हमारा एजेंडा है, एजेंडा में हम लर्न करेंगे कि व्हाट इज ओल्ड ट्रिगर डॉट ओल्ड, व्हाट इज ट्रिगर डॉट न्यू, यूजेज ऑफ द ट्रिगर डॉट ओल्ड एंड ट्रिगर डॉट न्यू, एंड व्हाट इज ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, एंड व्हाट इज ट्रिगर डॉट न्यू मैप, एंड यूजेज ऑफ द ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप एंड न्यू मैप। ओके, तो आते हैं अपने बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं व्हाट इज ट्रिगर डॉट ओल्ड। तो ट्रिगर डॉट ओल्ड इज अ रीड ओनली वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द ओल्ड वर्जन ऑफ द रिकॉर्ड्स बिफोर द ट्रिगर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन अ आफ्टर अपडेट ट्रिगर डॉट ओल्ड प्रोवाइड ए स्नैपशॉट ऑफ द रिकॉर्ड्स स्टेट्स बिफोर दे वर अपडेटेड। इट इज लिस्ट ऑफ यस ऑब्जेक्ट एंड यू कैन यूज इट टू कंपेयर फील्ड वैल्यू एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द चेंजेज। तो बेसिकली ट्रिगर डॉट ओल्ड का यूज ही हम क्यों करते हैं, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो ट्रिगर डॉट ओल्ड क्या करता है, वो जो लिस्ट ऑफ आपका रिकॉर्ड्स होता है उसको रिटर्न करता है जब भी आप कोई रिकॉर्ड अपडेट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि ट्रिगर डॉट ओल्ड आप यूज कब करोगे। तो आप, अगर मैं बात करूं तो ओल्ड, जैसे आप कोई डेटा अपडेट कर रहे हो, ठीक है, तो अपडेट करते वक्त आपको पता नहीं है कि ओल्ड वैल्यू क्या था, तो ओल्ड वैल्यू आपको गेट करना है, उससे कंपेयर करना है, तो आप वहां पे ट्रिगर डॉट ओल्ड यूज करोगे। ठीक है, ट्रिगर डॉट ओल्ड क्या करते हैं, आपको लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है ओल्ड वैल्यू वो देते दे देता है आपको। ठीक है, देन बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो हमारा जो एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रिगर एग्जाम्पल ट्रिगर ऑन अकाउंट बिफोर अपडेट। तो यहाँ पे जब भी हम ट्रिगर डॉट ओल्ड एसीसी किया, ट्रिगर डॉट ओल्ड किया, तो लिस्ट ऑफ जो रिकॉर्ड है यहाँ पे मेरा फॉर्म में चलेगा, और जो भी आपको परफॉर्म करना है ट्रिगर डॉट ओल्ड पे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी वैल्यू रहेगा आप कंपेयर कर सकते हो, तो हम दोनों का मिक्सअप करके आपको दिखाएंगे। ओके, देन बात करते हैं व्हाट इज ट्रिगर डॉट न्यू। सो ट्रिगर डॉट न्यू इज अ रीड ओनली वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द न्यू वर्जन ऑफ द रिकॉर्ड आफ्टर द ट्रिगर इवेंट। इट इज ऑल्सो ए लिस्ट ऑफ यस ऑब्जेक्ट एंड यू कैन यूज इट एक्सेस द अपडेटेड और इंसर्टेड रिकॉर्ड। तो जब भी हमारा ट्रिगर डॉट न्यू होता है, ये सब में मिलेगा आपको, चाहे आप इंसर्ट करो, चाहे अपडेट करो, चाहे बिफोर इंसर्ट हो, चाहे बिफोर अपडेट हो, चाहे आफ्टर इंसर्ट, चाहे आफ्टर अपडेट, चाहे आप डिलीट यूज कर रहे हो, बिफोर डिलीट आफ्टर डिलीट, या फिर आप अनडिलीट यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको ट्रिगर डॉट न्यू आपकी वैल्यू सब में मिलता है। ये क्या करता है कि आपका जो भी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है वो आपको देता है, बट वो आपकी न्यू वैल्यू देती है, मतलब जो आप न्यू रिकॉर्ड जा रहे हो उसमें वही आपको मिलता है, इसमें ओल्ड वैल्यू नहीं होता है। ओके, देन इन आफ्टर डिलीट ट्रिगर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर डिलीट ट्रिगर में मैं बात करूँ, ट्रिगर डॉट न्यू प्रोवाइड ए स्नैपशॉट ऑफ द रिकॉर्ड दैट वर डिलीटेड। तो जो भी रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो और उसकी आपको लिस्ट चाहिए, तो ट्रिगर डॉट न्यू करके आप वो कर सकते हो। अगर आप वो इंसर्ट कर रहे हो तो ट्रिगर डॉट न्यू करोगे, तो जो भी आपका रिकॉर्ड न्यू इंसर्ट हो रहा है उसकी लिस्ट मिल जाएगी, आफ्टर इंसर्ट के बाद भी आप न्यू दे सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं यूजेज की, एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सेम वही प्रीवियस जैसा एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे हमने दिया आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट पे हमने कॉन्टैक्ट डॉट न्यू कॉन्टैक्ट, देन ट्रिगर डॉट न्यू एक्सेस न्यू रिकॉर्ड यूजेज एंड परफॉर्मिंग द एक्शन। तो बात करते हैं यूजेज की। ठीक है, तो यूजेज क्या है और कैसे यूज करेंगे। देन ट्रिगर डॉट ओल्ड एंड ट्रिगर डॉट न्यू आर ऑफन यूज इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपेयर ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज अलाउिंग डेवलपर टू इम्प्लीमेंट कस्टम लॉजिक बेस्ड ऑन द चेंजेस टू रिकॉर्ड्स। तो हम चलते हैं सेल्स फोर्स में, इसको करके देखते हैं कि ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप का यूज करके देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक ट्रिगर बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, ट्रिगर दे देता हूँ यहाँ पे, दे देते हैं ओल्ड
या समथिंग में अपॉर्चुनिटी ट्रिगर, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना अपॉर्चुनिटी। ओके, तो हमारा जो अपॉर्चुनिटी है उसको सेलेक्ट करके उसका ट्रिगर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारा ट्रिगर आ गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे न्यू और ओल्ड को दोनों यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको आप बिफोर कर देता हूँ, बिफोर अपडेट। ठीक है, मैं बिफोर अपडेट पे चलाता हूँ, बस बस इतने करते हैं, उसके बाद देखते हैं उसकी फंक्शनलिटी। ठीक है, तो ये मेरा आपका बिफोर अपडेट है। मैं यहाँ पे बस फॉर लूप चलाता हूँ और अपॉर्चुनिटी डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं डाल दिया ओल्ड ओपी डॉट ट्रिगर डॉट ओल्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाया तो वो भी लगाते हैं, इफ ट्रिगर डॉट एज बिफोर एंड एंड ट्रिगर डॉट एज अपडेट। ठीक है, तो ये हमें लगाना होता है। अभी ये बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम जब भी कोई डेटा लिखते हैं वो अपना एक अंडर क्लास बनाते हैं उसके अंदर करते हैं, तो हम उसके बारे में उसके बाद में बात करेंगे जब हम उसका कोई सिनारियो करेंगे। अभी बस देखते हैं इसको कैसे हम ओल्ड मैप और न्यू मैप को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक हम और फॉर लूप चला लेते हैं इसे में अपॉर्चुनिटी की, और यहाँ पे हमने बोल दिया न्यू ओपी, और यहाँ पे डाल दिया हमने ट्रिगर डॉट, क्या कर दिया यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ कंडीशन लगा दिया कि जो ओल्ड की वैल्यू है मेरा इसका डॉट, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टेज नेम। ठीक है, स्टेज नेम जो ओल्ड वैल्यू है डज नॉट इक्वल टू ये जो मेरा न्यू है इसका स्टेज नेम इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू है ना यहाँ पे, तो मतलब इसका इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं होगा तो मेरा मैसेज आएगा सिस्टम डॉट डिबग स्टेज अपॉर्चुनिटी स्टेज हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, ये हो गया। अब चेक करते हैं, चलते हैं अपने रिकॉर्ड पे और एक इसको अपडेट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपॉर्चुनिटी ले आता हूँ। ओके, तो अपडेट है मेरा। अब यहाँ पे आते हैं और उसको इसका लिस्ट भी चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ से इसको मैंने कर दिया लिस्ट, सॉरी, इसको भी कर लेते हैं टेबल फॉर्म। ओके, तो मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा अभी स्टेज है, देखो अभी मैं स्टेज चेंज करता हूँ। ओके, जैसे ये मेरा क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये जो क्वालिफिकेशन है ये मैं क्वालिफिकेशन पे चेंज करता हूँ इसको यहाँ से। तो हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन किया इसको चेंज। अब यहाँ पे मैं बोल देखता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो क्या आया। तो देखिए मेरा पास जो मैसेज आएगा क्या, अपॉर्चुनिटी स्टेज हैज बीन चेंज। अब मैं कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे सिर्फ अपडेट मार रहा हूँ, तो ऐसे किया और सिर्फ अपडेट कर दिया। ठीक है, तो मेरा मैसेज आएगा, देखो ये चला, लेकिन मैसेज हमारा वो कंडीशन मैच नहीं करेगा, तो मैसेज हमारे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे ओल्ड वैल्यू है वो चेंज ही नहीं हुआ है, ओल्ड वैल्यू हमारा सेम ही है। जब ओल्ड वैल्यू चेंज होगा और न्यू वैल्यू दोनों हमारा मैच नहीं होगा तभी हमारा ये मैसेज आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रिगर डॉट ओल्ड और ट्रिगर डॉट नो न्यू यूज करना होता है। ठीक है, तो ट्रिगर डॉट न्यू हम हमेशा यूज करते हैं जब भी हमारा कोई डेटा आता है उसको यूज करने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो ये था मेरा ट्रिगर डॉट
ओल्ड और न्यू का डिफरेंस। ठीक है, अब चलते हैं अपने पीपीटी पे, अब बात करते हैं ट्रिगर डॉट ओल्ड। ओके, तो बात करते हैं अपने ट्रिगर डॉट न्यू मैप और ओल्ड मैप की बात करते हैं। तो आते हैं ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप क्या होता है। तो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप इज अ रीड ओनली मैप दैट रिप्रेजेंट द ओल्ड वर्जन ऑफ द रिकॉर्ड बिफोर द ट्रिगर इवेंट। द की इज द रिकॉर्ड आईडी एंड टेक द वैल्यू इज द करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड। इट इज ऑफन यूज इन द अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड टू एफिशियंटली एक्सेस द ओल्ड रिकॉर्ड एंड कंपेयर फील्ड वैल्यू। ठीक है, तो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप क्या है बेसिकली। ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप क्या करता है, जो भी आपका ओल्ड वैल्यू है, ठीक है, अभी हमने देखे यहाँ पर दो, हमने अभी अपने बेस्ट प्रैक्टिस में बताया था कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज नहीं करते हैं, है ना। तो अभी हम यहाँ पे फॉर लूप को कैसे हटाएंगे, मतलब कैसे उसको मतलब यूज नहीं करेंगे दो फॉर लूप, वो भी देखिए हम ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप और न्यू मैप का यूज करके उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे मेरा यहाँ पे तो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप क्या करता है, जो भी आपकी ओल्ड वैल्यू है वो आपको वैल्यू देता है की और वैल्यू के फॉर्म में। तो जो आपका की होगा वो उस रिकॉर्ड की आईडीज होगा और वैल्यू में आपके वो रिकॉर्ड का पूरा डिटेल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा एक अपॉर्चुनिटी है एबीसी, उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं और उसकी आईडी, तो जो उसकी आईडी होगा वो एज ए की होगा, बाकी वैल्यू में उसके सारे फील्ड्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखिए मेरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ट्रिगर डॉट ऑन बिफोर अपडेट। तो यहाँ पे हमने मैप के अंदर इसको ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप किया तो इसमें सारा डेटा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने फॉर लूप चलाया अकाउंट आईडी पे और ओल्ड मैप की सेट, सी की सेट करते हैं ना, जो की सेट क्या होता है, जैसे ही की सेट करोगे तो आपके जो की में सारे आईडीज होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो आपकी की कुछ भी हो सकता है, आईडी हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, तो जो की होगा आपको सारे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे अकाउंट के डेटा गेट करनी है, तो यहाँ पे कैसे गेट किया है, ओल्ड अकाउंट मैप डॉट गेट, यहाँ पे अकाउंट आईडी पास करेंगे तो सारा डेटा उसमें आ जाएगा, और उसके बाद जो भी आपको कुछ करना है वैल्यू कंपेरिजन जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम ट्रिगर डॉट, देखो आप ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप हो वो डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे हमने ओल्ड मैप रखकर गेट किया है, बट वो क्या करता है, बार बार आपको अगर आप यूज करोगे यहाँ पे ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप तो क्या करेगा, आपका जो आपके स्कीमा से डेटा दोबारा लेकर आएगा आपके डेटाबेस से, तो बार बार डेटाबेस को हिट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक ही बार यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप करके, बाकी उसको बार यूज करते रहते हैं, तो ताकि हमारे बार बार उसको डेटाबेस को हिट ना करे, तो उससे क्या होगा आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि बार बार डेटाबेस हिट नहीं हो रहा। ठीक है, देन बात करते हैं व्हाट इज ट्रिगर डॉट न्यू मैप। तो ट्रिगर डॉट न्यू मैप इज अ रीड ओनली मैप दैट रिप्रेजेंट द न्यू वर्जन ऑफ द रिकॉर्ड आफ्टर द ट्रिगर इवेंट। द की इज द रिकॉर्ड आईडी एंड द वैल्यू इज द करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड। ओके, इट इज ऑफन यूज इन द इंसर्ट एंड अपडेट ट्रिगर टू एफिशिएंटली एक्सेस द न्यू और अपडेट रिकॉर्ड। तो जो भी ट्रिगर डॉट न्यू मैप होता है ये भी मेरा सब में मिलता है। ठीक है, चाहे आप बिफोर इंसर्ट करो, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट, कुछ भी करोगे उसमें आपको न्यू मैप हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, न्यू मैप में जो आपकी वैल्यू है जैसे ओल्ड की तरह ही आपको की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा मिलेगा, बट यहाँ डिफरेंस ये है कि जो आपके पास यहाँ पर डेटा आएगा वो आपकी न्यू डेटा आएगा, ना कि ओल्ड डेटा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। तो यहाँ पे देखिए मेरा एग्जाम्पल्स दिया है ट्रिगर डॉट न्यू मैप, की सेट लगा के हमने डेटा यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ऐसा था, बट हम बात करते हैं, चलते हैं अपने बेसिकली उसमें क्लास में, और इसको देखिए हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप करके यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा दो हो गया, हमें दो फॉर लूप चलाना पड़ा मुझे, एक काम करने के यहाँ पर टेस्टिंग का, ये इसको चेक करने के लिए, है ना। बट मुझे अगर उसको यूज नहीं करना है, दो फॉर लूप को हटाना है, तो कैसे हटाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रिगर डॉट, अब यहाँ पे जहाँ पे मेरा ओल्ड था ये वाला ओल्ड, यहाँ पे मैं ना ओल्ड करके यूज करूँ तो मैं यहाँ पे न्यू यूज कर लेता हूँ मेरा। ओके, यहाँ पे न्यू ओपीपी
कर लिया और यहाँ पे टिकट डॉट न्यू कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास जो न्यू डेटा आ रहा है, बट मेरे पास आईडी सबका सेम ही होगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो देखो आपके पास दो तरीका है, यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसे यूज कर लो, टिगर डॉट न्यू सॉरी ओल्ड मैप, ओके, टिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट। अब गेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, उस रिकॉर्ड की आईडी। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है उसकी डॉट आईडी, तो मतलब अपॉर्चुनिटी की आईडी, और डॉट उस फील्ड का वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि जो इसकी डेटा है क्या वो सेम है, क्योंकि तो मेरा फॉर लूप भी एक हट गया यहाँ पे और न्यू वैल्यू से डेटा भी गेट कर लिया, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अपडेट कर दिया। और देखिए मेरा फंक्शनलिटी एक फॉर लूप भी कम हो गया और फंक्शनलिटी मेरा सेम चलेगा अभी। इसको डिबग करते हैं वनली और चेक करते हैं, तो देखिए मेरा पे अपॉर्चुनिटी हैज बीन चेंज, ठीक है। इसी चीज को अगर आप ऐसे नहीं यूज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पे एक आप मैप बना सकते हो, ठीक है, जैसे आईडी कॉमा अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे दे दो आप न्यू, या फिर दे दिया मैंने ओल्ड मैप डेटा करके। तो इससे क्या बेनिफिट है आपका, आपका डेटाबेस बार बार कॉल नहीं होगा, एक ही बार आप कहीं भी, मान लो आप मल्टीपल बार यूज करना है तो आप यूज करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपका परफॉर्मेंस भी सही रहेगा आपके कोड का और कोई फंक्शनलिटी में इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो एक ऐसे आप कर सकते हो, सेम तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने टिकट डॉट ओल्ड मैप यूज किया, तो यहाँ पे टिकट डॉट न्यू हमने यहाँ पे यूज किया स्टेज दिन, तो हम यहाँ पे न्यू मैप भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं सेम ऐसे ही, इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने दे दिया न्यू मैप डेटा, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया न्यू मैप, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने ऐसे दिया है, यहाँ पे इसको भी हम पेस्ट कर सकते हैं डॉट गेट करके, यहाँ पे आईडी पास कर दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमने आईडी पास कर दिया तो ओके, तो यहाँ पे मेरा स्टेज नेम हो गया और टिकट डॉट न्यू मैप, सेव करते हैं इसको और चेक करते हैं। सेव किया, हमारा डेटा सेव हो गया। देखिए फंक्शनलिटी कोई चेंजेस हुआ या फंक्शनलिटी कोई इम्पैक्ट किया हमने यूज करने के बाद, चेक करते हैं, और यहाँ पे आते हैं इसको डिबग वाली चेक करते हैं। तो देखिए मेरा अपॉर्चुनिटी स्टेज हैज बीन चेंज दिखा रहा है ना। बट और इसको दोबारा सिर्फ एडिट करके चेक करते हैं क्या उसमें हमारा कंडीशन मैच कर रहा है क्या, तो इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आएगा। तो देखिए हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो ये था मेरा टिकट डॉट न्यू मैप, टिकट डॉट ओल्ड। तो देखिए ऐसे वेरिएबल हमेशा बना लो और आगे यूज करते चलेंगे, ठीक है। हम अभी एक सिनारियो करेंगे नेक्स्ट सेशन में और उसमें समझेंगे कि कैसा इसका यूज करेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो इसको करने के बाद हम फिर और चीजें हैं, ट्रिगर फ्रेमवर्क भी हम यूज करेंगे, बताएंगे ट्रिगर फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रिगर फ्रेमवर्क बनाने के बाद भी हम आगे काम करेंगे उसमें, ओके। तो ये मेरा था कि ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डेटा क्या होता है, ट्रिगर डॉट न्यू मैप क्या होता है, कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे कंपेयरिंग बहुत जरूरी होता है, हमें बहुत सारे सिचुएशन में काम करना होता है, ठीक है। आप किसी स्पेसिफिक पर आप मैसेज दिखाना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ जैसे मेरा एक है हमारा यहाँ पे स्टेज वैल्यू एलिवेशन, तो यहाँ पे मैं चेंज करूंगा कि सिर्फ वैल्यू इस पे वैल्यू पे पोजिशन पे सिर्फ मेरा मैसेज आना चाहिए, या कोई जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो होना चाहिए, तो आप उसी में देख सकते हो, बस एक कंडीशन लगा सकते हो। मैं यहाँ पे दे दिया कि ये मेरा डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए ए एंड एंड, और यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको ए, तो कौन सी मेरी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे न्यू आ रही है। अब यहाँ पे मैं चेक कर लिया न्यू डॉट स्टेज नेम,
इज इक्वल टू वैल्यू प्रीपोजिशन प्रोपोजिशन होना चाहिए, तभी मेरा मैसेज आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखो, अभी मेरी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे ओल्ड वैल्यू मेरा क्या है, सेम ही है, तो यहाँ पे मैं करूँगा कोई मैसेज मेरे पास नहीं आएगा वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इसको, डिबग वाले करते हैं, और इसको चेक करो, कोई मैसेज आया नहीं आया। अब यहाँ पे भी स्टेज भी चेंज करोगे तो भी मैसेज नहीं आएगा, मतलब जो कंडीशन है आपको उसी कंडीशन पे दिखाई देगा, सिर्फ जो वैल्यू प्रोपोजिशन है सिर्फ उसी पे डेटा आएगा आपका। तो जो ऐसा कोई सिचुएशन आए वो भी कर सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आया नहीं आया कोई डेटा। बट अगर मैं इसको प्रीवियस करूँ, वैल्यू प्रोपोजिशन पे अलग अलग दोबारा जाऊँ, तो मेरा उस स्टेज पे मैसेज दिखाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही वही लगाया है। अब चेक करो, तो यहाँ पे मेरा आया पॉजिटिव स्टेज वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, तो ऐसे भी सिनारियो आते हैं, ऐसे भी सिचुएशन आएगा जो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे, हम एक एक छोटा छोटा अभी करेंगे इसमें बहुत सारे सिनारियो, और उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों का शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।